Yes, good morning, online students and offline students. Good morning. Beta, listen. कल तुहाडा टेस्ट है, okay? केरा टेस्ट है, सुन लो. अंडिठी काव टुकड़ी की तो भी आ सकती है, okay? और बहुअर्थक शब्द 1 to 50 की तो भी आ सकते ने. असाइनमेंट जिदा मैं तुहानू दस्सिया सीगा, ठीक है? ब्लैंक्स विच भी आ सकती है, okay? और मुहावरे कग्गा भाग, ठीक है? सो कल आप मुहावरे कग्गा भाग जी साढ़े रह गए ना, पहला आप करा और कल आप थोड़ी जी तैयारी कर लवेंगे, ओके? सो ये थोड़ा टेस्ट होगा गूगल फॉर्म से, राइट? सो अभी तो 21 तक तो उसके बाद होंगे, ओके? ये बच्चे अभी तक कोई नहीं आया आइडिया. हाँ जी, लिसन बेटा, कुल्फी कहानी आपा किती हुई है, याद हो अगर किसी ने कुल्फी कहानी सुजान सिंह की लिखी हुई है, याद है? दसो की है इस कहानी विच बेटा? नो, स्टोरी दस दो. मतलब ए की सिख्या की मिलती है थोड़ी, कहा की गया है? और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुल्फी कहानी दा सार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी नु याद होए थोड़ा बहुत, कोई 3-4 लाइना? शांतनु पता है? जसलीन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी नु नहीं पता कुल्फी कहानी विच किहा की गया है? हां जी जसलीन, ठीक है, ओके. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हिमानी, यस हिमानी, इस कहानी विच एक निक्का कप्पा हमेशा पिता तो कुल्फी मांगता रहंदा सी, पर उसके पिता की तनख्वाह बहुत घट सी ते ओ अपने पुत्र नू कुल्फी भी नहीं लेके दे सकता सी, ते उसनू अपने पुत्र नू रोज ना रोज कोई ना कोई बहाना लगाना पैंदा सी. पर एक दिन जो गली विच कुल्फी वाले पितो सेठा दा मुंडा कुल्फी लैन आया तां निक्के काके ने उस तो कुल्फी खोली ते ते उस मुंडे दी मम्मी उन्हां दे घर लांबा लेके आई ते लेखक दी घर वाली अपने पुत्र ते बहुत गुस्सा हुई, पर लेखक कहंदा है के कि कुछ वंड कायर प्यो दे कार दलेर मुंडा जमिया, ओके, गुड गुड. हियर इज जी प्रॉपरली इस कहानी विच दस्या की गया है कि एक जड़ा व्यक्ति है कहानीकार, ठीक है? कहानीकार कहानी जड़ा सुजान सिंह खुद है,
राइट इन्हें की क्या है कि एक है बहुत ज्यादा गरीब परिवार दे नाल बिलोंग करता है इना दी जड़ी तनखा है ओ महीने दे 15 दिन जदों हुंदे ने क्योंकि देखो पहला 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 दी स्टोरी जड़ी है बहुत पहला दी लिखी हुई है पहला पहला तनखा वैसे ही कट हुंदी सीगी ठीक है पर लोकी थोड़ी तनखा विच भी गुजारा कर लेंदे सीगे ओके सो हुन मतलब एक तो गरीब फैमिली दे नाल बिलोंग करता है कहानीकार जिहड़ा है सुजान सिंह इहदी जिन्ने भी कहानी दे पात्र हुंदे सन ना इह हमेशा गरीब परिवारां दे नाल बिलोंग करदे ही लैंदा सी कदी इहने रिच फैमिली दे पात्र नहीं उठाए निमन वर्ग नूं ही प्रेफर करदा सी अपनी कहानी विच ठीक है ते उहने कहा कि जून दा महीना सी पुछा जा सकदा है तुहानूं ठीक है आपां करांगे कल दी असाइनमेंट विच ते नैचुरली कुल्फी वाला ही आएगा ठीक है ते उह कहिंदा कि मेरी जिहड़ी तनखाह है उह पहले ही 15 दिनां विच खतम हो जांदी सीगी ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ 1% ਮੰਗਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰਾ ਖਾ ਲੈ ਮੁਰਮੁਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤਾ ਸੀ ਮਰੂੰਡਾ ਹਾਂ 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 ਮੁਰਮੁਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਮੁਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਾਂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 1909, 1910, 1911, 1912 ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ
राइट। माता पिता का नाम जमुना देवी ते सरदार हकीम सिंह। ठीक है, तो जदों कहानीकार सुजान सिंह छोटे सन ते इन्हां दे पिता जी का देहांत हो गया सीगा। अगे लिख लो, मैं दसन लगी थानू सुजान सिंह। हां जी, सुजान सिंह दे पिता दा जदों देहांत होया सुजान सिंह दे पिता दा जदों देहांत होया ता उसकी उम्र किन्नी सी? 11 साल। ठीक है, सुजान सिंह दे जदों पिता दा देहांत होया ता उसकी उम्र किन्नी सी? आंसर इज 11 साल। तो बाद विच विद्या लिख लो। चाहे देखो ये फाइनेंशियली तौर ते इन्ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं सन, ये भी रीजन है कि इन्होंने अपनी स्टोरीज विच आम लोगों नु लिया सीगा। ठीक है, हाई सोसाइटी वाले लोगों नु नहीं लिया सीगा। फाइनेंशियल तौर ते चाहे इन्ने ज्यादा नहीं सन स्ट्रॉन्ग, फिर भी इन्होंने विद्या हासिल की ते विद्या हासिल करके ये प्रिंसीपल बने। विद्या का नाम की है? गोदाम कीपरी। ये नाम है बच्चे, जिदा डिग्री होंगी है ना PhD वगैरह दी, पहला ना यही विद्या होंगी सी गोदाम कीपरी। विद्या गोदाम कीपरी, ठीक है। एक ज्ञानी भी होंगी है, वह आप 10th तो बाद विच कीती जांदी है, जिस तरह BA वगैरह इधर गोदाम कीपरी हो सकता है इदा का कुछ। ठीक है, कि वो किद्दा उनू रखा जा सके सेफली। अजकल देखो होटल मैनेजमेंट वगैरह किन्ने सारे कोर्सेज है, मे बी ये भी एक कोर्स होवे उस टाइम ते। उस तो बाद विच ओह प्रिंसिपल बने। विद्या तो बाद लिख लो ओहदा। ओहदा मतलब जिथे उन्होंने काम किया, प्रिंसिपल दे तौर ते फिर इन्होंने काम किया सी। किथे किया सी ये नहीं लिखा होया, कॉलेज से मतलब जगह का नाम नहीं लिखा हुआ, ना कॉलेज का नाम लिखा हुआ। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, सुजान सिंह केहो जहे कहानीकार सन? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਸਲੀਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ? ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਉੱਨਤੀ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਔਰਥੋਡੌਕਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁੱਡ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ? ਤਿੰਨੋ ਹੀ।
ठीक है। इन्हां दियां कहानियां दे पात्र निम्न वर्ग दे, वर्ग की हुंदा है, वर्ग हाँ गुड, केड़ी कैटेगरी दे सन, किस क्लास दे सन, लोअर क्लास दे, आम लोकी सन, जिहड़े मिडिल क्लास पीपल या साधारण लोकी, ठीक है, जिन्हां दी जिंदगी विच इन्ना ज्यादा कोई शोक नहीं सी, ए उन्हां लोकां नूं ही मैं लिखवा रही ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताई तां लिखवा रही हां मैं तुहानूं, राइट। सो इह आम लोकां नूं ही अपनी कहानी दे हमेशा पात्र बनांदे सन। हो गया जी क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन, हले है काफी। नेक्स्ट है कहानियां दे विषय, विषय की अंदर विषय, विषय और रचनावां ने, सब्जेक्ट मैटर की सी, विषय विषय हाँ विषय किद्दा दे ले, इन्होंने सब्जेक्ट केड़े केड़े ले अपनी कहानियां दे विच, आर्थिक मंदहाली, यस कोई भी लिख सकते हो, अगर देखो ऑप्शन दे विच गरीबी आ गया तुसी गरीबी नूं चूज कर लो, आर्थिक मंदहाली आ गया उन्हों चूज कर लो, आर्थिक मंदहाली, समाजिक समस्यावां, कुरीतियां भी लिख सकते हो, कुरीतियां के अंदर हार्दिक नाक पर सोशल लेबल, ठीक है, जेड़ा दहेज है ए चंगी रीति है कि माड़ी रीति है, जो दहेज है तुसी डोरी लेंदे हो माड़ी रीति है कि चंगी रीति है, कुरीति दे विच आंदा, नहीं जरूरी नहीं, ओके। उस तो बाद विच लिखो जी इना दे कहानी संग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा लो, कहानी संग्रह, संग्रह की हुंदा है, संग्रह टॉपिक से नेम पे है, संग्रह की हुंदा वैसे, संग्रह संग्रह सही, अगर थानू पता तो आंसर दियो, संग्रह मतलब कहानियां दे नो एम नहीं हुंदा, संग्रह हुंदा है कि जेड़ी जिस तरह हुंदे को कुल्फी कहानी है ये किसी बुक दे अंडर होएगी, जिस तरह थोड़ी वनगी है, बुक दा नाम वनगी है ना, ओदे अंडर किन्ने सारे गुदी पाठ आंदे पे, संग्रह मतलब कि कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, ठीक है, या कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज, बुक्स दा नाम मतलब थानू संग्रह दा मतलब पता होना चाहिए हुंदा की है, हां जी बुक्स दे नाम लिखो जी, दुख सुख तो पिछो कहानी संग्रह, दुख सुख तो पिछो, ए थानू बेटा सारे लर्न करने पैणगे, क्योंकि एमसीक्यूज विच कोई एक पूछा जा सकता है ते बाकी दूसरे राइटर्स दे हो सकदे ने, थानू पता होना चाहिए या गो थ्रू हो जो एक बारी, थानू पता होना चाहिए भी सुजान सिंह दी केड़ी कहानी है, ठीक है, दुख सुख तो पिछो, नरकां दे देवते, मनुख ते पशु, सब रंग, नवा रंग, सवाल जवाब, शहर ते ग्रां, ग्रां किनू कहंदे आ, गुड, शहर ते ग्रां, ओके, रास लीला, ये संग्रह है, काट दो,
रासलीला सौ है सौ है सस्ता है सस्ता ठीक है जी। ए वाले सन इना दे कहानियां दे संग्रह अगो इना दिया कहानियां ठीक है जेड़िया के किसे मतलब बुक दे अंडर नहीं सी आंदियां अलग अलग थी। हां जी कुल्फी संग्रह लिख ले हो गए संग्रह अगो इना लिखो कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा लो कहानियां रासलीला कुल्फी हाँ पठान दी थी प्रौणा पासे दा सोना एक कहानी है इस संग्रह दे विच नहीं आ रही इंडिपेंडेंट है मतलब बागां दा राखा बागां दा बाग बाग बागां दा राखा कलम जाग पई प्रौणा कलम जाग पई बागां दा राखा कुल्फी पासे दे ती सॉरी पासे दा सोना पठान दी ती रास लीला डन हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन लिखो इना दी मौत कदो हुई सुजान सिंह दी मौत 1993 हाँ वो भी लिख रहे हैं गुड चलो हुण ए वाला लिख लो जिहड़ा लिख रहे हो मौत 1993 हो गया अगो इना नू ए किन्ने साल दे सन 84 ईयर्स से ठीक है साल पूछे जा सकते ने वरे पूछे जा सकते 84। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सम्मान केड़ा सम्मान मिलिया इना नू सम्मान मिलिया इना नू शहर ते ग्रां कहानी संग्रह लई ठीक है इस बुक करके इन्हां नूं सम्मान मिलिया किहदे वल्लों दित्ता गया साहित्य अकादमी वल्लों। आपां बोलण विच ना अकैडमी लिख लैंदे आ पर अकैडमी फिर तुसीं उसे तरह ही लिख लैओगे स्पैलिंग पंजाबी विच आपां अकादमी बोलदे आ ठीक है वैसे आपां अकैडमी बोल दिंदे साहित्य अकादमी वल्लों दी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलिया इन्हां नूं हां जी राष्ट्रीय पुरस्कार बुक है शहर ते गरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलिया ठीक है ये पूछा जा सकता है। कितने क्वेश्चन हो गए 13 हो गए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया होवे ता मेनू दस दो 13 क्वेश्चन हो चुके ने लेखक बारे हन ठीक है ये याद करने बहुत जरूरी ने क्योंकि थानू पूछा जा सकता है और खास करके कहानी संग्रह भी याद करया करो ठीक है पुरस्कार वगैरह ये भी आ सकता है क्वेश्चन माता पिता का नाम भी आ सकता है ओके डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन हां जी ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया सही यस और नो ओके नाल नाल रिवाइज करा दवा थानू कहानीकार दा जन्म कदों होया 1909 माता दा नाम पिता दा नाम सरदार हकीम सिंह इना दी विद्या गोदाम कीपरी ओहदा प्रिंसिपल केहो जे कहानीकार सन प्रगतिवादी दा मतलब
उन्नति तरक्की की हमेशा इन्होंने इन्हों के कहानी संग्रह भाविक कहानी संग्रह भाविक 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 हां जी दुख सुख तो पिछो नरक देवते सवाल जवाब सब रंग ठीक है इन्हां दियां कहानियां दे नाम वन बाय वन प्रौणा बागां दा रखा ठीक है ओके ओके क्लियर है बच्चे कल आपां कहानी दा सार हो गया ठीक है कल असीं कहानी दे जिहड़े विच क्वेश्चन आंदे ने वन वर्ड आपां ओह असाइनमेंट करांगे ठीक है क्लियर है जी